तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि बचपन में मेरे जो मित्र थे जरा ढूंढू कहाँ है सके, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़ के बहुत बचपन में चला गया था, तो मेरा संपर्क नहीं था, 35 साल की गैप हो गई थी, शायद 35 साल से भी ज़्यादा समय हो गया होगा। तो मैं याद किया, सब क्लास के मेरे दोस्त हस्त खेलते थे जो मेरे साथ तालाब में तैरते थे, सबको याद किया। फिर ढूंढा कहाँ है, दो चार नहीं मिले, बाकी सब मिल गए। तो एक मन की इच्छा थी उन सबको एक दिन मेरे घर बुलाओ, जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने बुलाया था। करीब 35-40 साल के बाद मिले, बड़ा आनंद आया था, बड़ा ही। और मैंने उनको लिखा था, आप मुख्यमंत्री को मिलने नहीं आए, आप पुराने अपने दोस्त को मिलने आए हैं, ऐसे में अच्छा। दूसरी मेरी इच्छा थी, बचपन से मुझे जिन शिक्षकों ने पढ़ाया है उन सबको बुलाना, क्योंकि मेरा मन करता था आखिरकार किसी भी बालक के जीवन में शिक्षक का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मेरा मन करता था कि मैं उनको बुलाऊं। तो फिर मैंने देखा, एक मेरे शिक्षक तो नहीं रहे, जब मैंने बुलाया था तब 93 ईयर के थे, जो सबसे वृद्ध शिक्षक जो जीवित थे, सब आए। सार्वजनिक रूप से मैंने उनका सम्मान किया था, और मैं समझता हूं शायद उस दिन कार्यक्रम में 10-15 हजार लोग थे। अब और मेरी एक किताब थी, शिक्षा के ऊपर ही थी, तो उस किताब का लोकार्पण के साथ मैंने सभी शिक्षकों को बुलाया था और सबके आशीर्वाद दिए थे। तो जीवन में जिसको कहें कि मेरे मन की इच्छा, ये दो थी और दोनों पूरी कर दी। तो मुझे लगा, अच्छा लगा आप लोग आज आए हैं, और दिल्ली की हवा बिल्कुल आपको नहीं लगेगी, मुझे पूरा भरोसा है, और लगनी भी नहीं चाहिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत के भविष्य के निर्माण को आपके प्रयासों से उत्तरोत्तर ताकत मिले, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।